नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम अलग तरीके की पापड़ की रेसिपी, जिसे आप जब चाहें, मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, बारिश हो रही हो, धूप आए ना आए, कोई टेंशन नहीं है। आप पापड़ को बना के और झटपट से तैयार कर सकते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आपको भी बनाने हैं एकदम अलग और नए तरीके के चावल के पापड़, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। जो कोई पापड़ बनाना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है कि पापड़ बनेगा हमसे या नहीं बनेगा, तो वो बिल्कुल भी ना डरे और इस तरीके से पापड़ बना के एक बार देखें। आपके पास चावल का आटा है तो आप आटा का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो बाजार में बहुत आसानी से चावल का आटा मिल जाता है। आप बाजार वाले आटे ले सकते हैं या घर में कच्चा चावल, अड़वा चावल को पीस के अच्छे से और पापड़ के लिए आटा तैयार कर सकते हैं। लेकिन बारीक, एकदम पूरा अच्छे से बारीक होना चाहिए आटा, तभी आपका पापड़ अच्छा बनेगा। जरा सा भी दरदरा या मोटा घर का आटा होगा तो फिर पापड़ बनाने में आपको दिक्कत होगा। आटा को कैसे लेना है, जैसे कि आप कोई भी कप या कटोरा से आटा को नाप के लीजिएगा। नाप के लेने से क्या होगा कि इसमें कितना पानी जाएगा उसका मात्रा आपको पता होगा। ना ही हमारे आटे के अंदर ज्यादा पानी होना चाहिए और ना ही कम पानी होना चाहिए। तो सबसे पहले आटा के बारे में आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर देखिए, ये वाले कप से एक कप आटा ली हूँ और अच्छे से दबा दबा के आटे को ली हूँ। अब एक छन्नी पर डाल के आटा को हमें एक बार अच्छे से छान लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा छान लीजिएगा आटा तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर चावल वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा और एकदम चिकना सा आटा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटा सा जो घंटी का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। हर रोज मैं रेसिपी की वीडियो डालती हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं एक ही वीडियो डालती हूँ। हर रोज हो सके तो कभी दो वीडियो और कभी तीन वीडियो भी हमारा आता है। तो आप नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कब कब वीडियो डाल रही हूँ। आप हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। ज़्यादातर हमारा वीडियो पापड़ और चिप्स का ही होता है। अब हमारा आटा तैयार हो चुका है, अब चलिए पापड़ बनाने की तरफ चला जाए। तो देखिए, यहाँ पर पैन को चूल्हे पर डाल दी हूँ और इसमें डालना है पानी। जिस कप से आप आटा ले रहे हैं उसी कप से आपको पानी डालना है। आटा आप कोई भी बड़ी कटोरी से भी नाप के ले सकते हैं। एक कप हमारा आटा था तो सेम कप से दो कप इसमें पानी डालना है। आज का पापड़ का वीडियो बहुत ही अच्छा है। पापड़ आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा छोटा चाहें तो आप छोटा भी बना सकते हैं। ये है पापड़ खार। पापड़ खार आपके पास है तो आप डाल ले, और नहीं है आपके पास पापड़ खार तो थोड़ा सा मीठा वाला जो सोडा होता है, जो हम लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं कभी कोई चीज फुलाने में, देखिए इतना सा पापड़ खार आपको डालना होगा। और यदि आप मीठा सोडा डालना चाहते हैं फ्रेंड, तो बस एक पिंच ही डालिएगा। देखिए, एक चुटकी से ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका जो पापड़ है मीठा सोडा के वजह से लाल हो जाएगा। ये डालना जरूरत होता है, इस टाइप के पापड़ में पापड़ खार डालना जरूरत होता है, इससे पापड़ हमारे फूल के बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ पर डालना है स्वाद के अनुसार नमक, तो एक छोटा चम्मच के जितना नमक, थोड़ा सा और डाल देती हूँ हल्का सा, बस इतना में नमक हमारे पापड़ के अंदर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें डालना है जीरा, एक चम्मच जीरा डालना है। जीरा से भी इसमें कलर आएगा और पापड़ स्वादिष्ट भी बनके तैयार होगा। और यहीं पर डालना है हमें एक छोटा चम्मच अजवाइन। देखिए, अजवाइन को कुछ इस तरीके से क्रश करके हमें डालना है। अब पानी को अच्छे से पकने दीजिए। कच्चा पानी रहेगा तो इसमें पापड़ नहीं बनाना है। पानी को बहुत अच्छे से पकाना है। पानी जब पक जाएगा तो पानी के अंदर कलर भी आ जाएगा और हमारा जो पापड़ है वो भी स्वादिष्ट बनेगा और बिल्कुल भी पापड़ फटने का डर नहीं रहेगा।
तो आपको फुल वीडियो बना के दिखा रही हूँ, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि पापड़ है फ्रेंड, पापड़ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होता है, और यदि आपका पापड़ सूखने के बाद टूटिया फट जाए तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अब पानी बहुत अच्छे से पक चुका है, पानी पक के तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या करना है आपको, जब पानी अच्छे से उबल जाए तो गैस के आंच को बिल्कुल लो कर दीजिए, जैसे ये है ना, तो इसको फ्लेम को ऐसे करके लो कर देना है, बंद नहीं करना है चूल्हे को, और इस पे रहने देना है पानी। अब इसमें हमें आटा को डाल देना है झटपट से, और एक हाथ में एक ढक्कन रखें, देखिए फ्रेंड्स, और इसमें ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के आटा को बहुत अच्छे से पकने दीजिए। जब आटा के ऊपर सारा पानी आ जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं शीशा वाला ढक्कन है तो आपको दिखाने में हमें सुविधा हो रही है, देख पा रहे हैं सारा पानी ऊपर आ जाएगा, तब आटे को मिक्स करना है। इस तरीके से आटा हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट ढक्कन लगा के ढक दी हूँ आटा को, अब एक बार चेक कर लिया जाए। देखिए आटा पकते हुए इस तरीके से होना चाहिए। अब अच्छे से हमें मिक्स करना है आटा को। चावल का आटा आपका नया वाला है या बहुत ज्यादा पुराना चावल का आटा है तो उस पे भी पानी कम या ज्यादा लग जा सकता है। पुराना चावल का आटा का पापड़ अच्छा नहीं बनता है, एक तो उसका स्वाद एकदम पुराना पुराना सा होगा और चिपचिपा भी बहुत कम होता है उस टाइप का आटा। जो इसमें पानी है अच्छे से इसके अंदर में सुखा देना है, इतना देर आपको आटे को पकाना है। देखिए फ्रेंड, अब जो है हमारा आटा अच्छे से पक चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, पानी पूरा अंदर सूख गया है। इसमें ढक्कन लगा के और कर देना है थोड़ा सा गैस को बंद, पहले 2 मिनट हल्का सा पका लेती हूँ ढक्कन लगा के आटा को, उसके बाद गैस को बंद करना है। 2 मिनट हो चुका है, देखिए अच्छा सा भाप भी इसके अंदर बन चुका है। तो अभी कर देती हूँ गैस को बंद और आटा को नीचे उतार लेना है चूल्हे से। अभी इसमें और भी काम बाकी है, जैसा मैंने पहले ही आपसे बताया ना कि आज का पापड़ थोड़ा अलग टाइप का बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए आटा हमारा कुछ इस तरीके का बना है, और अभी क्या करना है कि आटा को हमें थोड़ा हल्का सा ठंडा करना है, उसके बाद इसका हम थोड़ा सा मसल के सॉफ्ट करना है, और पापड़ के लिए आटा को वापस से हमें फिर से तैयार करना होगा। फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं हमारा, और भी आपने वीडियो नहीं देखा है पापड़ का तो जरूर देखिए, बहुत सारे वीडियो डाली हुई हूँ जो कि बहुत आसान तरीके से बना के दिखाई हुई हूँ, जिसमें उड़द दाल के पापड़ और मूंग दाल के पापड़, चने का पापड़ और बेसन का पापड़, इसका भी पापड़ डला हुआ है, जिसे आप बिना आटा गूंथे बिना पापड़ बेले हुए भी बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, पता ही नहीं चलेगा कि इसे आपने बिना आटा गूंथे हुए बना के तैयार किया है। तो देखिए दो इतना बड़ा बड़ा आटा का बना है 1 कप आटा में। देखिए इस तरीके से करना है इसे। फ्रेंड्स मैं हर हमेशा पापड़ का वीडियो बनाते रहती हूँ ना, तो पापड़ जमा हो जाता है बनते बनते, अब उतना पापड़ तो रोज रोज कोई फ्राई करके नहीं खाता है ना, तो जमा हो जाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ऐसा नहीं कि आप भी इतना ही बनाएं, आप ज़्यादा से बना के रखें, तभी तो आप साल भर इस्तेमाल करेंगे जब चाहे तब, और पापड़ इतना स्वादिष्ट बनेगा ना कि एक बार फ्राई करेंगे तो कम से कम 5 से 6 पापड़ तो एक आदमी ही खा जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करके पानी इसे तैयार करना है। अब चलिए वापस से इसका हमें पानी बनाना है।
तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाही ले सकते हैं और इसमें 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डालें, बहुत ज़्यादा आपको पानी भी नहीं डालना है। अब इसमें देखिए इस तरीके का कोई भी रिंग डाल दें या कोई कटोरा या प्लेट डाल दें। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप जाली वाला बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे जाली वाला आता है ना स्टीम करने वाला, और हमारे पास ये वाला जाली है तो इससे ही सारे स्टीम का काम मैं करती हूँ। बिस्किट भी इसके ऊपर ही बनाती हूँ और इस तरीके से कोई चीज़ हमें पकाना होता है तो यही वाले जाली का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो जाली है ना ये पीतल का है, लेकिन ये बेक का काम होते होते थोड़ा सा काला पड़ गया है, लेकिन ये है पीतल का, ये ना ही लोहा है ना ही स्टील है, तो ये जाली हमें बहुत ही ज़्यादा कामों में हेल्प करता है बेचारा। अब देखिए क्या करना है कि आटा को इस तरीके से गोला बनाना है। आज मैं चावल के आटे का खिचिया पापड़ आपको बना के दिखाती हूँ कि खिचिया पापड़ कैसे बनाए जाते हैं। इस तरीके से गोला करना है और इसके बीच में थोड़ा इस तरीके से होल कर दीजिए जिससे अंदर तक अच्छे से ये पके। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाई हूँ जिससे ये चिपके ना इसमें, और छोटा छोटा सा बहुत सारा आप इसका गोला बना के और भाप लगा सकते हैं। यदि आप ज़्यादा पापड़ बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से गोला कर लें थोड़ा सा इस करके और इसमें छेदा कर, छेदा करने से ये होगा ना कि भाप अंदर तक आएगा और आटा हमारा बहुत अच्छे से पकेगा। अब ढक्कन लगा के 10 मिनट तक भाप के ऊपर पहले आटा को पकाना है, उसके बाद इसका पापड़ बना के आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा तरीका है ये पापड़ बनाने का और एक भी पापड़ आपका नहीं टूटेगा नहीं फटेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जब पापड़ फ्राई करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड 10 मिनट तक अच्छे से इसे पकने देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भाप लगाते हुए 10 से 12 मिनट करीब हो चुका है और बीच में एक तरफ से जब भाप लग गया था 6 मिनट 7 मिनट एक तरफ से जब भाप लगा तो इसे पलट के दूसरे तरफ से भी भाप लगाना है। तो इस तरीके से पलटती थी मैं बीच में और देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि ये पापड़ के लिए आटा हमारा तैयार है और ये थोड़ा फूल भी गया है, देख पा रहे हैं ना, जब पकेगा तो इस तरीके से फूल जाएगा। तो चलिए इसे निकाल लेना है हमें दूसरे बर्तन में। अब आटा को बहुत अच्छे से मसलना है। अब पापड़ के लिए फाइनल आटा जो है तैयार हो रहा है। तो मसलने के लिए सबसे अच्छा है कि आप कोई भी पॉलीथीन में आटा को रख ले, बढ़िया साफ सुथरा पॉलीथीन हो जिसमें हम लोगों के घर में कोई सामान आता है जैसे दूध का पैकेट हुआ बड़ा इस टाइप का, तो इसमें आप डाल ले। इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से इसे मसलते हुए एकदम सॉफ्ट कर लेना है। देखिए बहुत अच्छे से आटा चिकना हो गया है। अब आटा में से आपको लोई काटना है। पापड़ आप कितना साइज का बनाना चाहते हैं उतना हिसाब से आप इसमें से लोई काट सकते हैं देखिए। और जो बचा हुआ आटा है इसको आपको बहुत अच्छे से रखना है, तो फिर वापस से आप पॉलीथीन में डाल के आटा को रखें। तो मैं 2 से 3 लोई ले लेती हूँ बाहर जिससे कि आपको पापड़ बना के दिखा सकूँ, और सारे को अच्छे से इस तरीके से करके हमें रखना है। तो
चलिए फ्रेंड्स, आप पापड़ बेल के आपको दिखाती हूँ। पापड़ को बेलने के लिए आप कोई पॉलीथीन ले सकते हैं और हल्का सा इसमें तेल बस एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। और एक टुकड़ा पॉलीथीन और चाहिए होगा हमें, तो तेल वाले के ऊपर ही इस तरीके से हल्का सा इसे कर दें तो दोनों टुकड़े में हल्का सा तेल लग चुका है। अब इस पे ही हमें पापड़ बनाना है। आपके पास यदि पूरी प्रेशर है जिसमें कि पूरी को बनाया जाता है ना, लोहा वाला जो आता है वो है, तो पापड़ एक नंबर बनेगा उस पे। अब पापड़ को बेलना है। चावल का पापड़ को पतला पतला और बड़ा बड़ा बेलना है। और ये वाले पापड़ को आप आग पे सेक के भी खा सकते हैं। थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है, ज्यादा छोटा पड़ जाता है वीडियो के लिए, तो आप नीचे बैठ के आराम से सारे पापड़ को झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। पापड़ टेढ़ा मेरा हो रहा है उसका कोई टेंशन ना ले, मैं बताती हूँ ना कि पापड़ गोल आपका कैसे बनेगा। सिर्फ पापड़ को पतला बेलिएगा। तो देखिए हमारा पापड़ अभी टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है। पापड़ को गोल करना है, तो एक जैसा पापड़ रहेगा इसके लिए आप ले ले इस टाइप का कोई ढक्कन और इस पे रख के पापड़ को आप अच्छे से गोल कर लें। देखिए जो इसका किनारे है आराम से अपने आप निकल जाएगा, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारा चावल का पापड़ बनके तैयार है। पापड़ को सुखाने के लिए आप पॉलीथीन पर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ले गए और दूसरे पॉलीथीन पर, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। जैसे इस पॉलीथीन से हमें दूसरे पॉलीथीन पर डालना है, तो पापड़ को कैसे डालना है, इस पे हमें डालना है पापड़। तो आप पापड़ को ले जाएंगे ऐसे उठा के और पलट देंगे। पलटने के बाद हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे और उसके बाद ये वाले पॉलीथीन को आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो आप कोई भी बड़ा सा पॉलीथीन बिछा लें और इस तरीके से आप पापड़ बेल के एक जैसा और सूखने के लिए डाल दे। आपके यहाँ धूप है तो धूप में सुखा ले, बहुत ज़्यादा तेज धूप में नहीं सुखाइएगा, और नहीं तो आप पंखे की हवा में भी पापड़ सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको पापड़ बनाने हैं, अब आप समझ गए। अब आपको पापड़ सुखा के फ्राई करके भी झटपट से दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए पापड़ सूखने के बाद आपका ऐसा बन के आएगा, और बहुत ही अच्छा एकदम पतला पतला सा पापड़ आप देख पा रहे हैं, उंगली दिख रहा है। और किनारे काट के बनाएंगे तो बहुत अच्छा गोल मटोल सा होगा, और यदि किनारे नहीं काटेंगे तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो किनारे काट के ही बनाए पापड़, देखने में अच्छा होगा। और इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा रख सकते हैं, जैसे आपके पास बड़ा ढक्कन है ना, तो आप इसका साइज बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पापड़ फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालना है एक पापड़। देखिए फ्रेंड्स पापड़ हमारा फ्राई हो चुका है, और फ्राई होने के बाद आप देखिए इसका साइज, क्योंकि इसमें पापड़ खार डाला है, पापड़ खार डालने से हमारा पापड़ इसी तरीके से फ्राई होगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा पापड़ बनके तैयार है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी पापड़ है और बहुत ही ज्यादा खस्ता पापड़ है, हल्का सा टच करने से ही पापड़ हमारा टूट जाता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।